एक माँ होने पर एक बेटी की माँ होने पर बहुत गर्व है आज हमारे पास कुछ भी है हजारों खुशियाँ आ जाए लेकिन हम आज भी दस साल से हमारे घर में खासकर त्योहार के कोई फुल के हंसता नहीं है तो मुझे नहीं लगता आज भी कि मैं मुंह छिपाऊं या अपने बेटी का नाम छिपाऊं कि नहीं हमारे बेटी के साथ ऐसा हो गया तो हम मुंह कैसे छिपाएं अगर मुंह छिपा के घर में बैठते तो आज हम भी उनके तरफ आंसू बहाते दस साल की हमारी बेटी को इंसाफ हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट से फांसी की सजा हो गई तो ये सुप्रीम कोर्ट से जाके एकदम से छूट गए तो जज साहब ने तो हमें मतलब जीते जी मार डाला। उनसे बड़े तो मुजरिम तो जसा हो गए हमारे लिए तभी हमें उम्मीद है कि सरकार हमें इंसाफ देगी जरूर जब भी रेप केस आता है तो लोग ये कहते हैं कि अरे रात में घूमेगी तो क्या होगा ऐसे कपड़े पहनेगी तो क्या विक्टिम होगी जी तो जब तक ऐसा सब चलता रहेगा और हमारा कानून कहता है कि सौ गुनहगार छूट जाए एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए तो ऐसे में फिर हम देख ही रहे हैं किरण निगू को कितना इंसाफ मिला तो चलिए माना कि हम थोड़ा मॉडर्न कपड़े पहनते हैं लेकिन जो छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है तो उन्हें कैसे कपड़े पहनाएंगे आप उन्हें क्या साड़ी में बांध के और घूंघट में रखेंगे आप मैम मैंने भी सफर किया है कितना छेड़छाड़ किया जाता है लड़कियों के साथ मैंने खुद सफर किया है पर्सनली बता रही ago this month a horrific gang rape and murder of a 23 year old shook the conscience of an entire nation it was a watershed moment because it put the spotlight on crimes against women in last 10 years what has really changed because nirbhaya or the fearless lost that battle in 2 weeks but she ensured that women Men across India start talking about a taboo subject, which is crimes against women. Today, I'm going to put the spotlight again on it with the audience right here in the studio. People who have led the fight, Asha Devi, Nirbhaya's mother, is joining us live. A mother who has fought, spoken valiantly, and also continues to fight for each and every daughter of India. Asha ji, Namaskar. Hamarisat, also in the studio, is Seema Kushwaha, a law student 10 years ago. She became part of the panel of lawyers who fought for Nirbhaya. Seema, appreciate your time. Dr. Vikram Singh, former UP DGP, has been with us for the last 10 years, raising various questions on the first responder, that is, the police. And also questioning the judiciary. Dr. Vikram Singh, really appreciate your time. We also have Ashwini Dube, Supreme Court lawyer, who will be talking about the legislation and the entire journey. We also have someone whose battle begins in 2012, but she lost that fight for justice for her daughter this year, unfortunately. Maheshwari Negi is Kiran Negi's mother. In the studio, our audience, but here is Badrinath Singh, Nirbhaya's father. Also, we have Santosh Mehto and Prabhansh Mehto. They are father and uncle of five year old Guria. I'm going to put spotlight on these cases because in these 10 years, as a journalist, I was with Asha Devi. Asha Devi ji. दस साल पहले एम्स के बाहर हमने भी रिपोर्टिंग की दस साल के बाद आपके सामने यहां पर खड़े हैं आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा 2015 में जब आपने ये कहा कि निर्भया का नाम निर्भया मीडिया ने दिया था लेकिन मैं उसका नाम पब्लिक को बताऊंगी उसका नाम ज्योति सिंह है क्यों आपको लगा कि नाम बताना चाहिए देखिए हम नाम इसलिए बताए कि उसमें निर्भया की क्या गलती थी हमारी क्या गलती थी आकी हम नाम छिपाए हम मुंह छिपाएं मुंह तो उनको छिपाना चाहिए जो ऐसे क्राइम कर रहे हैं मुंह उनको छिपाना चाहिए उनके पेरेंट्स को छिपाना चाहिए वैसे लोगों को छिपाना चाहिए जो उनके सपोर्ट करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि नहीं हमने नाम अपने बेटी का नाम ओपन करके कोई गलती किया है हमें एक माँ होने पे एक बेटी की माँ होने पे बहुत गर्व है आज हमारे पास कुछ भी है हजारों खुशियां आ जाए लेकिन हम आज भी दस साल से हमारे घर में खासकर त्यौहार के कोई खुल के हंसता नहीं है तो मुझे नहीं लगता आज भी कि मैं मुंह छिपाऊं या अपने बेटी का नाम छिपाऊं कि नहीं हमारे बेटी के साथ ऐसा हो गया तो हम मुंह कैसे छिपाएं अगर मुंह छिपा के घर में बैठते तो आज हम भी उनके तरफ आंसू बहाते दस साल की हमारे बेटी को इंसाफ नहीं मिला क्योंकि ये कानून भी बनाया गया है रूल भी बनाया गया है कि नहीं विक्टिम को नाम छिपा दो यहाँ तक कि जो मुजरिम है उनको मुंह ढक के दिखाया जा रहा है क्यों उनको पब्लिश करिए ना जिस तरह से मान लीजिए पंद्रह में जब हमने ये बात बोला था पंद्रह में जुगनाइल को छोड़ दिया गया था उसकी केस भी खत्म कर दी गई उसका नाम भी पता ना क्या रख दिया गया आज अगर हमारे ही बेचा वो बैठेगा तो हम पहचानेंगे उसको दस साल से कहीं भी तो वो कमा रहा होगा खा रहा होगा पता ना क्या कर रहा है तो मैं इस चीज को यही कह अब अभ, अभी भी केस होती है अभी भी जो ये शारदा वाला केस हो उसका मुंह ढक धक, के क्यों ला रहे हो भाई क्योंकि आपको पता है कि इनको दस साल बाद छोड़ना है इस समाज में इसलिए छिपा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई गलती की है अपने बेटी का नाम छिपा के सीमा आपने इनका साथ दिया और हम लोग पत्रकार वहां पर इंडिया गेट में कवर कर रहे थे जब कैंडल लाइट मार्चेज निकले नॉट ओनली इन इंडिया गेट नॉट ओनली इन डेली बट अक्रॉस द कंट्री कंट्रीट्री समथिंग अबाउट दैट मोमेंट विच सेड दैट अगर इस वक्त आवाज नहीं उठेगी तो शायद औरतों को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा एंड दैट बिकेम लाइक अ टॉकिंग पॉइंट सीमा यू वर लॉ स्टूडेंट योर सेल्फ एट दैट टाइम आपके पेरेंट्स उस वक्त आपको बोल रहे थे कि वापस आ जाओ आप वापस क्यों नहीं गई और दिल्ली में आप रही और उसके बाद आपने आशा देवी का साथ दिया देखिए सोसाइटी का स्ट्रक्चर यह है कि ह्यूमन बीइंग एज ए फीमेल को ट्रीट नहीं किया जाता है आज भी मैं ये बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे पेरेंट्स या किसी भी बेटी के पेरेंट्स उसको वापस क्यों बुला रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्योंकि उसको कोई मार देगा वो पढ़ने जाएगी तो उसको ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन कोई उसके साथ छेड़छाड़ करेगा या फिर उसकी शादी कैसे होगी और ससुराल जाएगी तो उसके लिए डोरी का अरेंजमेंट कैसे करना है निर्भया की कोई गलती नहीं थी वेल well एजुकेटेड थी दिल्ली से देहरादून अकेले आती जाती थी बीपीओ सेक्टर में काम करती थी अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा रही थी वो बेटी कितनी इंपावर्ड थी टैलेंटेड थी उसने किसी का क्या बिगाड़ा था तो उसके साथ ये गलत किया गया इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है वो चारों दरिंदे और वो उनका माइंड सेट कहां से आया पेटर्टिकल माइंड सेट से कि फीमेल को ऑब्जेक्ट समझा गया हमारे ही हमारे ही पेरेंट्स नहीं बुला रहे थे मेरे पीजी में करीब 20-25 लड़कियां थी एक तरफ हम फाइट कर रहे हैं कि इस देश के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी इकोनमी में पॉलिटिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन में और दूसरी तरफ हमारे देश की राजधानी से हमें वापस बुलाया जा रहा है क्योंकि आपकी सुरक्षा का सवाल है अगर आप नहीं आई तो निर्भया के जैसा हसर होगा कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा क्या ये सवाल आज भी आप लोग के बीच में रहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब गर्ल स्टूडेंट पढ़ाई इसीलिए लैक कर job रही है क्योंकि जॉब इसीलिए लैक कर रही है उनकी पढ़ाई इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि उनकी सेफ्टी पर्पज से इवन आज मैं रात को निकलती हूँ ना तो इवन हैं हम लोग की कहीं हमारे साथ गलत ना हो जाए कुछ गलत ना हो जाए हमें डर लगती है खुद में कि हमारी गलती नहीं है बट लोगों की मेंटेलिटी वैसी हो गई है तो so, दस साल में क्या बदला मुझे नहीं लगता कि दस साल में कुछ भी बदला आज भी रात को अगर किसी लड़की को बाहर निकलना होता है वो दस बार सोचती है कि मैं बाहर निकलू क्या मैं ये काम कर सकती हूँ नौ बजे के बाद भी लड़की को बाहर निकलने से पहले सोचना पड़ता है तो उसे ये लगता है कि मैं क्या कर सकती हूँ इस वजह से आज भी लड़कियां एम्पावर्ड नहीं हो पा रही उनके पेरेंट्स के मन में डर रहता है कि अगर मेरी लड़की गई उसके साथ कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूंगा मैं तो कहीं समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा क्योंकि हमारे समाज ने ऐसा बना रखा है कि जिसके साथ कुछ हुआ उसको गलत बोला जाता उसके पेरेंट्स को गलत बोला जाता है दैट इज द प्रॉब्लम हियर यू नो इट्स अबाउट द विक्टिम वी कीप सेइंग कि विक्टिम सर्वाइवर की बात करनी चाहिए उस लड़की की जद्दोजहद के बारे में बात करनी चाहिए मुझे ये बताइए आप लोगों में से कितने लोग 2012 में इंडिया गेट में प्रोटेस्ट में शामिल थे और क्या आपने उस वक्त हाउ ओल्ड वर यू एंड व्हाट वाज योर ओपिनियन लाइक

तो ये भी एक वजह रहती है कि पहले से उनको वीक कर दिया जाता है पैदा होने से लेकर उनके ग्रोइंग तक अगेन माई क्वेश्चन इज देन वॉट हैज चेंज इन द लास्ट टेन ईयर्स टेन ईयर्स में अगर आप अपने आप को सेफ और सिक्योर नहीं फील कर रही हैं तो वॉट हैज चेंज आई बिलीव नथिंग हैज चेंज इट हैज इवन वर्सेंट द केस ऑफ श्रद्धा एंड आफ्ताब इट्स अरिफिक एंड आई माई सेल्फ ट्रेवल एवरी डे फ्रॉम फिल्म सिटी सेक्टर सिक्सटीन टिल सेक्टर वन फिफ्टी वन और मैं सिर्फ भगवान का नाम लेती हूँ मन में बस कृष्ण भगवान को याद करती हूँ कि मेरी सुरक्षा करना एंड आई ड्राइव एवरी डे आई ड्राइव इट टेक्स वन आवर एंड बाई द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम सेफ बट मुझे नहीं मालूम कल कुछ भी हो सकता है मेरे साथ नथिंग गैस चेंज आई एम टॉकिंग वेरी पेसिमिस्टिकली बट इट्स अ फैक्ट एंड समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट दिस वेरी सीरियसली विक्रम सिंह You heard the girls, yeah? I have heard the girls very carefully, and it is giving me a sinking feeling and a sense of depression. Goes to show that in the ten years, we have not reached anywhere except the Thirteenth Criminal Law Amendment Act and the misuse of Nirbhaya funds. As you must have seen, that the vehicles bought for the Nirbhaya fund were used for VIP security in Maharashtra. The brazen misuse of the Nirbhaya funds. Firstly, we did not allot the funds. Then we misused it. The element of callousness, I'll give you the two most important cases Puldeep Singh Singer rape case, Unnau and the Hathras rape case. Every statute that was responsible and incorporated by the hard work of the 13th Criminal Law Amendment Act was torn into sheds. 166A IPC was incorporated. Why? That any Thana Deksh or any police officer who does not register a case and does not act as per the requirement of law. A case will be registered, he'll be sent to jail for six months. Has a single case been registered in any police station anywhere? Do you mean to say that it is Ram Raj? These are two examples where the cases were not registered. And there are 100 I can tell you where the cases were not registered, but not a single case. The police department has not to run like a boys' club, as this, my young man had mentioned, that the police department has to reorient itself. They say that there will be a help desk in every police station. I would rather have a help desk in your heart first. The physical help desk can come later. So, are you all saying then that you don't have faith in criminal justice system, or are you afraid that if something happens and we to the police, they no What is one fear that you have in your mind? Ma'am, I believe police uh, definitely police response in the first place, but the system is quite complicated in the country, and the punishments are very trivial and they take a lot of time to penalise the criminal so uh, uh, this is all i can say that the system is quite complicated the police response i'm not against the police but uh, everybody does their bit at some point but it's very it's a very complicated system and about shada aftab case also i have no idea for how long this case is going to be uh, prolonged and uh, let's see let's hope yes. for the best yes please go ahead सर uh, पुलिस के साथ तो ऑब्वियसली हम लोग हैं अभी और रहना भी चाहेंगे क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए रहते हैं लेकिन एक ये अगर हम लोग पॉइंट देखें कि शहरों की बात करें तो वहां पे कुछ और ही लेवल रहता है लेकिन अगर गाँव और ऐसी जगह जाए जो कि भारत देश की दिलो जान कहा जाता है वहां पे ऐसा कुछ नहीं हम लोग देख पाते हैं क्या वहाँ के लोग पुलिस की तरफ क्यों नहीं पहुंच पाते ये भी एक बड़ा सवाल नहीं होगा एक्ट इज 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 दैट टोटली फ्यूडल एंड इट to alienate the police from the public. That needs to take a relook. Therefore, the police reforms, as this young and articulate speaker has mentioned, why there is a tremendous gap between the police and the public, that is there because it is programmed and built into the system that the police is the ruler and you are the subjects. No, that has to go once and for all and that is what the Prakash Singh versus Unit for India police reforms is there for. You have in 2012 in And in 2022... जो अक्यूज हैं उनको एक्विट कर देता है सुप्रीम कोर्ट लेकिन जब ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से ये होता है कि इनको सजा मिलनी चाहिए थी तो आपको लग रहा था कि इंसाफ मिलेगा और आज आप कहाँ पे खड़ी हैं जब निर्भया के केस में मतलब सारा सिस्टम बदल गया था तो हमने सोचा हमें भी न्याय मिलेगा इंसाफ मिल जाएगा जब मतलब हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट से फांसी की सजा हो गई तो ये सुप्रीम कोर्ट से जाके एकदम से छूट गए तो ये साहब ने तो हमें मतलब जीते जी मार डाला उनसे बड़े तो मुजरिम तो जसाफ हो गए हमारे लिए अभी भी हमने तो फाइल कर रखी है रिपोर्ट तो डाल रखा है तभी तो हमें उम्मीद है कि सरकार हमें इंसाफ देगी जरूर नए जस साहब आया तो इंसाफ देंगे और हमारी बेटिया को न्याय मिलेगा ये तो हमारे लिए न्याय नहीं मतलब सारी बेटियों के लिए है ये हमारी बेटियां तो गई वो वापिस न्याय गई पर यह कि और बेटी है हमारे समाज में

Having not been duly proved. It is about witness turning hostile. There are several layers at which the questions have been raised. But based on the same investigation, the trial court and the high court found them guilty. What changed? With all solidarity to the family of Nirbhaya, the great Nirbhaya, who became a reason for changes in the criminal law. The laws which were changed and many parameters were induced and Justice Varma committee was brought into effect to check and to look into the various aspects of the offenses against the women sexual offenses against the women now the specific question which Mariaji has referred there are two things one if conviction has happened on the basis of any insufficient evidence the appellate courts look into that. And discard that. Here, who is at fault? Here, the fault is of the investigating agency. Here, the fault is of the prosecuting agency. That that agency was not able to meet out and to bring into the domain of the courts the, the evidences which were able to convince the honorable judges of the Supreme Court. Point one. Point two, what is the required but at this stage? Each? The judges of the trial court and high court were convinced. So that's what. That is why the appellate jurisdiction. What honourable judges saw, first they look into the chain of the circumstantial evidences was not corroborated. And the second, in the criminal justice system, one of the basic jurisprudences that if there is any any little bit doubt is with regard to the investigation of the case, that the benefit should go to the accused. Point number three, the review has been filed. We, we too were shocked to see that judgment, but the courts and the judiciary and the law works as per its own wisdom. Now the thing is what respected Vikram Singhji said. What is required at this stage, Maria, to audience and the other panelists also, the police should be free from any kind of interference. Kiran ke father yahan par uh, uh, Supreme Court may विच इज द हाइस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड एक भरोसा रहता है यकीन रहता है कि जो जो इंसाफ कहीं और से नहीं मिला वहां पर मिलेगा और जब अगर वो कोर्ट इस तरह का फैसला करती है तो फिर आगे क्या देखो जी पूरा मेरे को विश्वास है कि नए जज साहब जो आए हैं वो हमें न्याय देंगे और उनपे विश्वास कर रखा है हमने अगर वो हमारे साथ में अंधविश्वास करेंगे और किरण नेगी के साथ में अंधविश्वास होगा उसके मुलजिमों को फांसी नहीं होगा जब तक हिंदुस्तान में कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगे क्रिमिनल बढ़ेंगे क्रेम बढ़ेंगे महेशमणी नेगी जी क्या पुलिस सेंसिटिव थी आपके तरफ वो समय तो नहीं थी जब केस हुआ था तो तब पुलिस ने सामने दिया था मतलब तो कर दी उसी सहलू ने पर सुबह वहां गए तो उन्होंने मतलब कोई सुनवाई नहीं की कर आ जाएगी कहीं गई होगी मतलब पुलिस तो वही बोलती है तब तक बोलती रही पुलिस के आ जाएगी तीन चार दिन हो गए थे तीन चार तो दिन तो जब जनता ने धरना प्रदर्शन किया उसके थाना के आ तब पुलिस मतलब कार्रवाई में आई तब सुनाई हुई थी पहले बहुत लेट करती पुलिस ने शायद उसी समय लग जाती है तो क्या तो मेरे बेटे आज जिंदा होती पुलिस ने भी सान्ध दिया था उसमें यस मैम इनका नाइन्थ ऑफ फ़रवरी को इनकी बेटी का किडनैप हुआ और फोर्टीन को डेड बॉडी मिली अगर इमीडिएटली मिसिंग रिपोर्ट अगर इन्होंने दी कि बेटी नहीं मिल रही पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया होता काम किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता सेम श्रद्धा वालकर के इसमें है मैम उनके फादर ने निर्भया से पहले वो जो यस yes, uh, कारपेंटर था उसका मोबाइल छीन लिए जो उसके पास पैसे था छीन लिए वो पुलिस के पास गया तो बोल रहे हैं कि उस थाने में जाओ बेचारा घर चला गया वो तो जब फिर दो घंटे बाद ये केस हुई या सुबह जब मीडिया में आया तो वो भी आके बोला ये कारपेंटर की जो बात कर रहे हैं आंटी जी वो ये वही सेम एक वही बस है उन्हीं के द्वारा किया गया और वो कारपेंटर ने बताया कि हमारे साथ ये बस है ये लोग हैं क्यूज कि उन्होंने किया अगर इमीडिएटली उनको ट्रैक कर लिया गया होता तो, तो शायद हमारी निर्भया बच जाती नहीं घटना होती तो हर जगह तो हम तो यही कर रहे हैं कि दस साल से बीस साल से यही हम देख रहे हैं तो पुलिस पे कानून क्यों नहीं बनता है और जब पांच साल की एक बच्ची के साथ ये घटना घटती है और इंसाफ अभी कहा है संतोष महतो जी मैं तो देख रहा हूँ कि इंसाफ के नाम पे बेमानी हो रखी है इंडिया के अंदर इंसाफ मिलना तो मुश्किल क्या कभी मिलती ही नहीं है किसी को तो जो जुर्म करता है उसकी सज़ा मिलता है इंसाफ तो उसे कहेंगे जो वापस मिल जाए हमें मान लो हमारी बेटी मर गई हमारी बेटी को दे दे हमें कुछ नहीं चाहिए वो इंसाफ होगी ऐसा कुछ दे सकता और एक चीज़ और मैं करना चाहूँगा अगर मीडिया दिखाएगी उसी केस पर फैसला होगा सही अगर मीडिया नहीं दिखाएगी तो क्या उसे फैसला उसमें सही नहीं आनी चाहिए हमारे देश के अंदर मैं ऐसा बहुत सारे केस है थाने में जाता हूँ रिपोर्ट लिखाने के लिए रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है उल्टा सीधा गाली देके पुलिस भगा देते हैं ऐसा क्यों होता है मैं कई केस में गया हूँ फिर किसी को फोन करते हैं प्रेस वाले जाते हैं तब तो फटाफट -फड़ लिख लेते हैं तो आपको लगता है कि गुड़िया के परिवार को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा जो साफ नहीं मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा जो मान लो पांच साल की बच्ची की सर्जरी हो गई हो जिंदगी सही से जी नहीं सकती हो कंफर्टेबल हो गया कभी नहीं कभी भी उसे दर्द हो सकता कभी भी कुछ भी हो सकता उसे जो आरोपी था उसे बीस साल की सजा हुई है अब वो पता नहीं फिर बाहर आ गए फिर क्या पता और किसी बच्चे के साथ वो तो कुछ कर देर विक्रम सिंह let me take more response from the audience and i'm going to come to you you know only when there is public outrage and that media puts focus on certain cases that the entire criminal justice system begins to act aisa kyun hai please go ahead ma'am jaise ma'am ne bataya ki case uh, amendments nahi rule, rule hai har लेकिन उसके बाद भी अगर जो है विक्टिम जो है अगर पुलिस के पास जाता है तो उनको ऐसा भगा दिया जाता है ऐसा नहीं है कि उनको नॉलेज में नहीं है कि इसमें क्या करना चाहिए लेकिन वो अपने काम से क्यों बचते हैं या फिर ऐसे लाखों केसेस हो रखे हैं वो करते ही नहीं है उसके ऊपर काम जरूरी है कि पहचान हो ना किसी के थ्रू कॉल नहीं जाए कॉल नहीं जाए क्यों अगर एज अ सिटीजन उसके पास भी एक आइडेंटिटी है उसके पास भी फंडामेंटल राइट है सर तो वो उसका हक बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए

Well, they have every reason to spell it out, and they're doing it on a prestigious national television channel. Now, the fault lines. Bad investigation, why? Poor supervision by the supervisory officers. I'm not holding a brief for anyone. But yes, I would fault. There are no bad soldiers, there are only bad generals. If the investigation is faulty, the prosecution, as my learned friend Ashwani ji has mentioned, the prosecution was faulty. If it was infallible in the trial court and in the high court, why did it fail in the Supreme Court? obviously the witnesses became hostile and we did not pursue the case with as much vigor in the supreme court because there was some leakage and there was some complicit understanding built underneath the table police pe hi main police do wajah se kaam nahi karte hai jo hame lagta hai ek to sabse pehle police मुजरिमों का साथ इसलिए देते कि उसको पैसे मिल जाते हैं पहला नंबर तो क्योंकि वो भी नौकरी करे सिर्फ पैसे के लिए police समाज की सेवा के लिए नहीं कर रहे नौकरी अपने बच्चों को पालने के लिए पैसे कमा कर जो भी आगे बढ़ सके करने के लिए तो जी जी, आप ये मानते हैं कि अगर मीडिया स्पॉटलाइट नहीं रखती निर्भया के केस में हर स्टेप पे ट्रैक नहीं करती तो शायद इंसाफ नहीं होता बिल्कुल आपने सही कहा लेकिन आज के डेट में निर्भया के लिए तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कोई एक नहीं भारत का हर आंख आंसू बहाया था भारत का आज बहुत लोग हमसे मिल भी जाते हैं मिलते हैं किसी की आंख खराब हो गई है पुलिस के डंडा खाकर किसी का पैर खराब हो गया है अब कैसे हम बताएं इस केस को दर्द आ, मार कोई खाता है दर्द हमें होता है क्यों क्योंकि हमारी बिटिया के लिए लोगों ने अपने आंसू बहाए या डंडे खाए इसलिए आज किसी भी बेटी के साथ कुछ होता है तो हमें दर्द होता है आपकी, आपकी वाइफ हमेशा इश्यूज पे आ, उठाती हैं और उन्होंने हर केस पर एक आ, सवाल उठाया है आपसे एक सवाल था हमारा आ, 2019 में हैदराबाद में रेप हुआ था और उसके बाद आ, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई थी एग्जीक्यूशन हुआ था बहुत सारे लोगों ने बोला था सही नहीं हुआ आशा देवी और विक्रम सिंह यहां पर हैं, उन्होंने बोला था सही हुआ आपको क्या लगता है क्या अगर रेपिस्ट है जी। लेकिन पूरा प्रोसेस ट्रायल का होना चाहिए या इस तरह का एक्शन होना चाहिए नहीं आज की स्थिति को देख के और स्थिति दोनों तरफ है एक तरफ है हमारे न्यायालय न्याय पे और दूसरी तरफ जब न्याय सही नहीं होगा तो क्रिमिनल क्रिमिनल बढ़ रहे हैं उस स्थिति पे दोनों साइड को देखा जाए तो हैदराबाद में जो हुआ था वो सही हुआ था उस वो इनाम के हकदार हैं जिन्होंने एनकाउंटर किया था और आगे आने वाले समय भी एनकाउंटर होना चाहिए जब तक बाहर का विदेश का कानून हमारे हिंदुस्तान में नहीं आएगा तब तक हमारा हिंदुस्तान सुधरेगा नहीं और क्राइम बढ़ेंगे क्रिमिनल बढ़ेंगे In Hyderabad and And then then? what What followed was seen as extra execution. What were your thoughts then? And will you be thinking differently today? Uh, मुझे सरकार अपनी uh, साख बचाने के लिए या अपना जो नाम है उसको ऊंचा करने के लिए कद को बढ़ाने के लिए करती है क्योंकि uh, इस, uh, जो भी कई बार क्या होता है फेक केसेस में भी अगर वो किसी का इनकाउंटर कर देंगे तो किसी को क्या पता चलेगा क्योंकि uh, हमारे सिस्टम का ये है कि जो असली केसेस के मुजरिम हैं वो बाहर घूम रहे हैं और जो जिन्होंने फेक केसेस करके लगा रखे हैं वो मुझ, uh, जो निर्दोष है mm. वो अंदर बंद है वॉट डू यू टेल महेश्वरी नेगी वेन शी फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड टूवर्ड्स दी एंड शी गॉट डिस आई एम होपुल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द रिव्यू पिटिशन विल रिव्यू दई एम श्योर दैट she will get justice now the very emerging point you have raised kangaroo courts cannot take decision in our country moment people or the agencies under the fear of public or without following the due process of law will start doing the extra judicial execution the rule of law will be nowhere so the time has come आर इंस्टेड ऑफ टेकिंग लॉ इन आर हैंड्स वी मस्ट इंश्योर दैट अवर एजेंसी आर फ्री फ्री फ्रॉम पोलिटिकल प्रेशर फ्री फ्रॉम पेट्रोनाइजिंग दी देर मास्टर्स एंड ऑल्सो द रिफॉर्म जब तक कि कानून का भय नहीं होगा और पुलिस को शेडी और बैड इन्वेस्टिगेशन की वजह से दंडित करने का कार्य नहीं होगा नॉट ओनली पुलिस एवरी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी तब तक इस तरह की बात होगी इसलिए जरूरत है रिफॉर्म्स की और पुलिस को हर प्रकार के फियर से अलग करने की मास्टर्स के जैसे रिफॉर्म्स के प्रकाश सिंह यूनियन ऑफ इंडिया पुलिस एक्ट को बदलने की जरूरत है और तभी हम कह सकेंगे बेटियां भी सेफ है आम आदमी भी सेफ है पुलिस का भय होना चाहिए लेकिन पुलिस को भी भय होना बहुत चाहिए बहुत बढ़िया बहुत अच्छा